दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में, मेरा नाम है सौरभ। आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल अनबॉक्सिंग, पर उससे पहले यहाँ पर जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो अनबॉक्सिंग हम किस चीज़ की करने वाले हैं, एप्पल का नया एयर मैकबुक एयर 15 इंच आ गया है इंडिया के अंदर। इसके जो सारे अच्छे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के दौरान, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है एप्पल मैकबुक एयर का बॉक्स। दोनों तरफ यहाँ पर ब्रांडिंग भी दी गई है, ऊपर मैकबुक एयर भी लिखा हुआ है। पीछे की तरफ चलते हैं तो थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन हैं वो दी हुई हैं, जैसे कि 256 GB का ये मॉडल है, 8 GB रैम के साथ आता है। तो आइए अनबॉक्स करके देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो खुल गया है मैकबुक एयर का बॉक्स। सबसे पहली चीज़ द लैपटॉप इटसेल्फ, के रैप से भी मैं इसको 2 मिनट के अंदर निकालूंगा, तब तक देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर है इसकी चार्जिंग केबल, काफ़ी डिफरेंट बनाई हुई है, ब्रेडेड चार्जिंग केबल है, रोबस्ट लग रही है, चलनी अच्छी चाहिए। साथ ही में है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, तो इसके अंदर रीडिंग मटीरियल और स्टिकर्स होने चाहिए जो एप्पल के हर प्रोडक्ट के साथ आते हैं। और आखिर में आपको देखने को मिलेगी इसकी चार्जिंग ब्रिक भी। तो चार्जिंग ब्रिक, केबल एंड द मैकबुक एयर, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं बॉक्स के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो हो गई अनबॉक्सिंग मैकबुक एयर 15 इंच की, जो 2023 एडिशन है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, साथ ही में इसका प्राइस। तो दोस्तों बॉक्स से बाहर आ गया, रैप से बाहर आ गया नया मैकबुक एयर 15 इंच। लिड ओपन करने से पहले मैं आपको एक्सटर्नल की जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेटल की बॉडी आपको चारों तरफ मिलती है, एप्पल का जो लोगो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका जो ऑडियो पोर्ट है 3.5 mm का यहाँ पर मिल जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर आपको इसका जो पावर पोर्ट है और साथ ही में USB Type-C या थंडरबोल्ट पोर्ट भी आप इनको कह सकते हैं, वो मिलते हैं यहाँ पर। तो यही जो पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, USB के जो 3 हैं या 1 है वो वाले पोर्ट्स आपको मैकबुक एयर पे नहीं मिलते। अगर आपको वो चाहिए तो आप थंडरबोल्ट पोर्ट्स के साथ या USB Type-C पोर्ट्स के साथ आप एक हब अटैचमेंट यूज़ करके एडिशनली उसको परचेज करके आप USB A 3.0 के पोर्ट्स आप इसके साथ लगा सकते हैं। बैक भी एकदम शानदार है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, फैनलेस डिज़ाइन रखा है इस बारी मैकबुक एयर ने। तो आपको चारों तरफ कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एकदम सीमलेस पतला डिज़ाइन जिसे कहते हैं ना, वेरी थिन, बहुत ही थिन डिज़ाइन है, ऐसा रखा है इस बारी एप्पल ने। बड़ी स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है, आइए अंदर चल के अब स्क्रीन को भी देख लेते हैं। एंड वाला, खुल गया है एप्पल मैकबुक एयर 15 इंच। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी एक लार्ज स्क्रीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ब्राइट विविड कलर्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिनको लार्जर स्क्रीन चाहिए थी मैकबुक एयर के साथ, उनको अब ये लार्ज एरिया देखने को मिलेगा। ऊपर आपको एक फुल HD कैमरा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप 1080p में जूम मीटिंग्स भी कर सकते हैं। एप्पल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा कीबोर्ड मिलता है जो एप्पल स्टाइल में बनाया हुआ है। सारी कीज़ हैं, सारे फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैक पैड को भी बड़ा कर दिया गया है। तो देखा जाए ट्रैक पैड जो पिछले वर्जन जो था मैकबुक एयर का, जो अभी भी अवेलेबल है, से छोटा साइज़ में है, वो 13 इंच का है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो मैकबुक
एयर 15 का जो ट्रैक पैड है वो भी बड़ा कर दिया गया है। तो ये तो हो गए इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स की बातें, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी और साथ ही बात करेंगे इसके प्राइस की। दोस्तों बात कर लेते हैं एप्पल मैकबुक एयर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। स्टार्ट करते हैं इसकी स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको 15.3 इंचेस की LED बैकलेट IPS डिस्प्ले मिलता है। काफ़ी सुंदर स्क्रीन है, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। 2880x1864 इसका रेजोल्यूशन है। 500 nits की ये ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। इन साइज की बात करें तो एप्पल का M2 चिप आपको यहाँ पर मिलता है, 8-core चिपसेट है, बहुत ही बढ़िया स्पीड आपको देने वाला है। दो मॉडल्स में अवेलेबल है, एक 8GB रैम के साथ आता है, दूसरा 16GB रैम के साथ आता है और प्राइस भी दोनों का डिफरेंट है। प्राइस की बात करें तो जो नीचे का मॉडल है वो मिलता है आपको 1,34,900 का और जो ऊपर का मॉडल है वो मिलता है आपको 1,54,900 का। पर उसमें आपको दो स्टोरेज वेरिएशन भी मिलेगी, जो नीचे वाले में आपको 256GB मिलेगी और ऊपर वाले में आपको 512GB मिलेगी। बट यूज़र कन्फिगर कर सकते हैं, मतलब 8GB आप भी ले सकते हैं, 16GB भी ले सकते हैं और 24GB भी ले सकते हैं। उसके साथ आप 256GB SSD रखना चाहते हैं या 512GB SSD रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे उसको कन्फिगर करना चाहते हैं। दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते हैं, साथ ही में मैक सेफ चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 भी यहाँ पर सपोर्टेड है और साथ ही में आपको 1080p का फेस टाइम HD कैमरा भी मिलता है। हमने थोड़ी सी गेम्स भी इस पे खेल के देखी तो मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे बहुत मज़ा आया गेम्स खेल के। तो ये ग्राफिकली एप्ट भी होने वाला है, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है। इफ़ यू कंपेयर इट टू एनी इंटेल ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड प्राइस मेरे को तो इसका काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको 6 स्पीकर्स का अरे मिलता है, कम्प्लीटली हिडन है क्योंकि फैनलेस डिज़ाइन है, कोई वेंट्स नहीं है, तो जो 6 स्पीकर्स भी हैं वो आपको कम्प्लीटली हिडन मिलेंगे। एंड वेट भी जस्ट 1.5 kg है, तो आप में से कोई इसको लग अराउंड करना चाहता है या इसका ट्रैवल करना चाहता है तो उनके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट होने वाला है। एंड फाइनली जो पूरा लैपटॉप है 100% रिसाइकल्ड एलुमिनियम से बना हुआ है, मतलब एप्पल खास ध्यान दे रहा है एनवायरनमेंट के प्रति। बैटरी की बात करें तो 18 घंटे तक की आपको बैटरी यहाँ पर मिल जाएगी। हम इसको टेस्ट करते रहेंगे और इसका फुल रिव्यू लेकर आएंगे हम gadgetbridge.com, तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हैं तो वहाँ पर भी आप जाके हमारे को फॉलो कर सकते हैं। सारी अच्छी चीज़ें लेटेस्ट न्यूज़ ऑन gadgetbridge.com वहाँ पर जाके भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं gadgetbridge हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।